कुछ ठीक चल रहा है और वो अपने मालिकों के लिए जरूर खेलेंगे। लगातार प्रैक्टिस मैचों में जीत ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ा दिया है और जीत के संकेत दे दिए हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ टीम इंडिया के साथ जो अभ्यास मैच में लगातार टीम इंडिया ने जीत की हैट्रिक पूरी कर दी? आखिरकार धोनी को क्यों नहीं खल रही जहीर और सहवाग की कमी? क्या है जीत का मंत्र? टेस्ट सीरीज में 4 हार। अब प्रैक्टिस मैच में किया प्रहार। स्कोर्स मोस्ट ऑफ हिज रन्स। ब्यूटीफुल शॉट। राइट। वाइड पॉइंट। टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक। नाइसली कट अवे। हिंदुस्तान के यंगिस्तान ने दिखाया दम। रियलाइजेस लवली शॉट। सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण और सहवाग जैसे बड़े बड़े दबंग बल्लेबाज इंग्लैंड के हाथों हार को टाल नहीं पाए, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, पार्थिव पटेल, आर अश्विन और विनय कुमार ने टीम इंडिया के लिए जीत की हैट्रिक पूरी की है। भले ही टीम इंडिया को ये जीत प्रैक्टिस मैच मिली हो, लेकिन धोनी को वो दिन भी याद है जब टीम इंडिया बड़े बड़े बल्लेबाजों के रहते प्रैक्टिस मैच में भी जीत के लिए तरस गई थी। कल टीम इंडिया ने T20 के प्रैक्टिस मैच में लिसेस्टरशायर को 15 रन हरा दिया। स्कोर्स मोस्ट ऑफ हिज रन्स। ब्यूटीफुल शॉट। राइट। वाइड पॉइंट। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के हाथों 4-0 से सीरीज गंवाने के बाद भारत की अभ्यास मैच में ये लगातार तीसरी जीत है। Nicely cut away. A lot of power and that's good fielding. No. और इस जीत के हीरो रहे पार्थिव पटेल के साथ रोहित शर्मा और विनय कुमार के साथ अमित मिश्रा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन पार्थिव पटेल ने 40, रोहित शर्मा और द्रविड़ ने 29-29, जबकि रैना ने 21 रनों की पारी खेली। 162 रनों के लक्ष्य को हासिल करने उतरी लिसेस्टरशायर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 146 रन ही जोड़ पाई। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में विनय कुमार ने जहां 3 विकेट लिए, वहीं अमित मिश्रा को 2, जबकि आर अश्विन और प्रवीण कुमार ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले ससेक्स के खिलाफ हुए अभ्यास मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे की पहली जीत हासिल हुई थी और इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से सबसे बड़े हीरो साबित हुए थे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जबकि दूसरे अभ्यास मैच में केंट को टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की शानदार 71 रनों की बदौलत 5 रन से शिकस्त दी थी। साफ है कि टीम इंडिया की यंगिस्तान ब्रिगेड इंग्लैंड में जीत का दम भरने लगी है, लेकिन अभी हिंदुस्तान के युवा ब्रिगेड का सामना इंग्लैंड की टीम से नहीं हुआ है। टेस्ट में नंबर 1 बनने के बाद इंग्लैंड टीम इंडिया के इन युवा खिलाड़ियों पर किस कदर प्रहार के लिए तैयार होगी, ये किसी से छुपा नहीं है। टेस्ट में बेस्ट बनने के बाद इंग्लैंड की महत्वाकांक्षा वनडे में वर्ल्ड चैंपियन को चित करने के लिए हिलकोरे मार रही है। ऐसे में इन नौजवान खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वार्म अप मैच में जो गर्मी इन्होंने खेल में दिखाई है, उसे किसी भी कीमत पर कम न होने दें। और अब बात BCCI की। BCCI पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। जी हां, अब हर कोई जान सकेगा कि BCCI क्या कर रही है। अब BCCI की मनमानी नहीं चलेगी, अब आम आदमी भी BCCI की मनमानी के बारे में जान सकता है कि BCCI ने किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया और कैसे टीम में शामिल किया। ये सब होगा RTI के जरिए। अब नहीं चलेगा BCCI का खेल, RTI के दायरे में आएगा BCCI। सरकार के कब्जे में होगा क्रिकेट। BCCI के पर कतरने की तैयारी। यह तैयारी खेल से भ्रष्टाचार मिटाने की।
खबर आ रही है कि सरकार क्रिकेट को जल्द ही बीसीसीआई के कब्जे से निकालकर अपने कब्जे में ले सकती है। जी हां, बीसीसीआई के कामकाज में पारदर्शिता लाने का हवाला देकर बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी एनएसएफ में शामिल करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए खेल मंत्रालय ने कमर कस ली है। खेल से जुड़े कई हिस्सेदारों और लोगों की राय के आधार पर यह बिल बनाया गया है, जिसमें यह मांग की गई थी कि बीसीसीआई को भी राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में लाया जाए। हालांकि बीसीसीआई और भारतीय ओलंपिक